बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब एक्सप्रेस कुकिंग विद अर्शिया खान। आज बना रहे हैं जी पालक गोश्त। इंशाल्लाह आपको ये भी रेसिपी पसंद आएगी और ये भी बड़ी एक कॉमन डिश है हर घर में। बेशक आप उसको चिकन में बनाएं, बेशक आप इसको गोश्त में बनाएं, आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकॉन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी नोट करते हैं। पालक ले लीजिए, इसको काट के अच्छी तरह 3-4 दफ़ा धो लीजिए ताकि इसमें से सारा मिट्टी निकल जाए। गोश्त ले लीजिए, प्याज के तकरीबन 1 बड़ा गट्ठा, अदरक और लहसुन, हरी मिर्चें 12 अदद, तीन से चार टमाटर, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, अदकुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक हसबे जायका, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, सबसे पहले आप ऑयल थोड़ा सा गरम कर लीजिए और उसके अंदर प्याज, अदरक और लहसुन इकट्ठा डाल दीजिए और इसको लाइट ब्राउन करने दीजिए। ये देखें हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। ये आप अदरक लहसुन पीस के भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये लाइट ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है और इसको थोड़ा 1-2 मिनट तक अच्छी तरह इसका कलर चेंज होने तक हम इसको हिला लेते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो डाल दीजिए। साथ में आप हरी मिर्चें जो आपने काटी थी वो डाल दीजिए। अगर आप हल्की मिर्च पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चें कम भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कीजिए।
अब इसमें डाल देते हैं टमाटर और इसको अच्छी तरह मिक्स होने देते हैं। अब इसको 5 से 10 मिनट तक मीडियम आंच पे ढक के रख देते हैं ताकि टमाटर नरम हो जाए। अगर आप गोश्त में बना रहे हैं तो इसमें 2 गिलास पानी डाल दीजिए और इसको ढक के रख देंगे मीडियम आंच पे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। गोश्त तकरीबन 60-70% पक चुका है। अब इसके अंदर हम पालक डाल देते हैं। जब तक पालक का पानी भी निकलेगा और पालक भी पकेगी और पानी खुश्क होगा तब तक गोश्त भी 100% पक जाएगा और नरम हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने पालक डाल दी है इसमें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। देखिए पालक डालने के बाद खुद पालक का भी पानी निकलता है तो काफ़ी सारा पानी हो गया है, इसीलिए हमने गोश्त को तकरीबन 60% जब हो जाए पक जाए तो तब हमने पालक डाली थी। अगर आप 100% या 80% या 90% गोश्त पक जाए और फिर आप पालक डालेंगे तो जब तक पालक तैयार होगी अंदर तो गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा होकर टूट जाएगा। अगर आप चिकन का बना रहे हैं तो आपको पानी डालने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे जब तक ये बबल्स बन रहे हैं और ये पक रहा है, तो इसको अच्छी तरह पका लें। जब देखिए पानी खुश्क होगा तब हम इसकी भुनाई करना शुरू करेंगे। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था। हरे धनिया की खुशबू से पालक गोश्त बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, इसमें मैंने कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने पालक को ग्राइंडर में ग्राइंड किया है, ना ही अलग उबाला है। अलग उबालने से पालक का जो जायका हो जाता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पालक का वो टेस्ट नहीं रहता, और क्रीम डालने से ये बहुत ज़्यादा फैटनिंग और हैवी हो जाती है। तो पालक का जो टेस्ट होता है उसको इंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप उसमें फैटनिंग चीज़ें डालें और उसको ग्राइंड करके या घोट घोट के उसकी असल लज्जत भी ख़राब हो जाए।
तो पालक को इंजॉय करें इसमें। ये देखें गोश्त आराम से गल भी चुका है और मसाला भी भुन चुका है, ऑयल के बबल्स आपने देखे आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया। अब इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पालक गोश्त तैयार है। इसको बेशक रोटी नान के साथ खाएं, बेशक उबले हुए चावलों के साथ खाएं, हम लोग उबले हुए चावलों के साथ पसंद करते हैं, इसलिए साथ में मैंने उबले हुए चावल बना लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा, खुशबू में भी बहुत अच्छा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह कुकिंग की और रेसिपीज़ भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर वॉचिंग माई चैनल।